हेलो दोस्तों, तो आज हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग एंड टैली डॉट ईआरपी 9 लेटेस्ट रिलीज हम सीखेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपने एंड तक देखना है ताकि आपको पूरा कंटेंट समझ आए, अकाउंटिंग की नॉलेज आए, और जो भी आपके नोन में है, जिनको आप लगता है जिनके लिए ये वीडियो रेलिवेंट है, आप उनके साथ प्लीज़ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपने सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना बॉस। ठीक है, सब्सक्राइब करेंगे आप चैनल को, एंड साथ ही साथ अगर आपको लगता है आपको कोई टॉपिक पसंद है जिस पर आप चाहते हैं वीडियो बने, आप वो कमेंट बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं। एंड हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। कोई भी नई वीडियो आए या जो टॉपिक आप चाहते हैं उस पर कोई नई वीडियो बनती है तो आपको वो नोटिफिकेशन आ जाएगी कि हाँ भाई ये वीडियो बन गई है, आप उसको देख सकते हैं। तो प्लीज़ उसको हिट करना भी ज़रूर, मतलब घंटा ज़रूर बजाना है। ठीक है, सो आप अपनी वीडियो को एंजॉय करिए। दैट इज़ बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। वीडियो को एंड तक देखना है और ज़रूर कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। नोटबुक लेके बैठ सकते हैं साथ में जिससे आप लिखते रहें, नहीं तो ये यूट्यूब पे तो अवेलेबल है, आप इसको बार बार देख भी सकते हैं। तो अगर आप नोटबुक ले लें तो और बेटर हो जाएगा। आज हम बेसिक्स पर करने वाले हैं अकाउंटिंग के। ठीक है, तो अकाउंटिंग के बेसिक्स करने से पहले पहला हमारा क्वेश्चन होता है कि अकाउंटिंग होती क्या है। जिस शब्द के बारे में ही हमें नहीं पता तो हम उसको आगे कैसे पढ़ेंगे, है ना। तो हम सबसे पहले अकाउंटिंग शब्द का मतलब जानना चाहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अकाउंटिंग शब्द का जो मतलब है, ये जो 6 लेटर्स हैं जिसको आप पढ़ पा रहे हैं, ये 6 लेटर्स क्या हैं? आई, ठीक है, आई आर सी एस आर सी। ठीक है, तो ये 6 लेटर्स में से यही हमारा अकाउंटिंग का प्रोसेस जो है मैंने डिफाइन करा है इस 6 लेटर्स को यूज़ करके, जिसमें सबसे पहला लेटर है हमारा आई। ठीक है, अब ये जो आई लेटर है, आई का मतलब क्या होता है अकाउंटिंग के अंदर? अकाउंटिंग एक प्रोसेस है पूरी जो इन 6 लेटर्स से मिलकर बनी है, जिसके अंदर आई लेटर का मतलब क्या है देखिए। आई लेटर का मतलब होता है आइडेंटिफाइंग। ठीक है, आइडेंटिफाइंग का मतलब क्या होता है? पहचानो, ढूंढो, पहचानना है हमने, आइडेंटिफाई करना है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, बिजनेस में कोई भी लेन देन होता है हम उसको बोलते हैं ट्रांजेक्शन। ठीक है, और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मतलब क्या है? पैसों का लेन देन। तो सबसे पहले अकाउंटिंग मनी वैल्यूज़ को रिकॉर्ड करती है, तो कोई भी ट्रांजेक्शन जो मनी वैल्यू जिसमें है आपने उसको रिकॉर्ड कर, आपने उसको आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कहता हूँ कि सपोज़ मेरे पास 100 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, मेरे पास 50 गाड़ियाँ हैं, मेरे पास 10 बिल्डिंग्स हैं, मेरे पास 1000 किलो किसी भी चीज़ का स्टॉक रखा हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ जो मैंने आपसे बातें करी, इन सब में कहीं मनी वैल्यू दिखी? नहीं, कहीं मनी वैल्यू नहीं दिखी। यहाँ आपको क्वांटिटी दिख रही है, पता चल रहा है क्या सामान है, लेकिन आपको मनी वैल्यू कहीं पर भी नहीं दिख रही है ना। तो सबसे पहले हमने इनकी मनी वैल्यू देखनी है। लाइक मेरे पास जो 10 बिल्डिंग्स हैं उनकी कीमत 10 करोड़ है, मेरे पास जो 20 गाड़ियाँ हैं उनकी कीमत 20 लाख है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू ऑफ मनी है ये हम रिकॉर्ड करते हैं। हम क्वांटिटी और क्वालिटी को थोड़ा सा साइड में रखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम मनी वैल्यू की बात करेंगे, हमारे पास मनी वैल्यू उन चीज़ों की होनी चाहिए। जैसे ही हमारे पास मनी वैल्यू आ जाती है, हमें पता चल जाता है हाँ भाई इस ट्रांजेक्शन के अंदर, इस लेन देन की मनी वैल्यू पता चल गई है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? आर, आई आर सी और एस आर सी था, तो उसके अंदर सेकेंड लेटर क्या था? आर। आर स्टैंड्स फॉर रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आपने आइडेंटिफाई करी उन्हें रिकॉर्ड करना है, कहाँ करना है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, और डेट वाइज रिकॉर्ड करना है, क्रोनोलॉजिकली। ठीक है, क्रोनोलॉजिकली यहाँ मैंने हाईलाइट करा है। क्रोनोलॉजिकली का मतलब क्या होता है? डेट वाइज आपने यहाँ रिकॉर्ड करना है। ओके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, जब आप ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं तो समटाइम्स इट इज़ यूजलेस टू कलेक्ट बंडल ऑफ डेटा। आप जैसे ही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं तो वो जो डेटा आपने पूरा एक डेटा बना लिया है, रिकॉर्ड बना लिया, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर मिक्स हो चुकी हैं। क्रोनोलॉजिकली का मतलब क्या था? डेट वाइज, मतलब अगर एक साल के अंदर 365 दिन है तो 365 दिन आपने जो जो करा आपने सारा लिख के रख लिया। ठीक है, रिकॉर्डिंग का मतलब लिख के रख लिया। अब अगर आपसे कोई रिपोर्ट मांगता है, ठीक है, कोई आज आपसे पूछ ले कि भाई बताओ मेरी पूरे साल में सेल कितनी हुई, तो कब ढूंढना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। एक साथ सारे साल की ट्रांजेक्शन को समराइज करके आपको बताना है, छोटी सी वैल्यूज़ बतानी है आपको। जैसे आज आपसे कोई पूछता है पूरा साल आपने रिकॉर्ड करी ट्रांजेक्शन, जो भी बिजनेस में लेन देन हुआ उसको लिख के रखा, और उसके बाद आज साल के एंड पे, महीने के एंड पे, 3 महीने के एंड पे आपसे कोई पूछता है कि बताओ पूरे इस टाइम के अंदर हमने कितने का माल बेचा है, कितने का माल खरीदा है, तो ये बताना भी आपको आना चाहिए, है ना। तो अकाउंटिंग बहुत सिस्टमेटिक होना चाहिए आपका। तो
तो इसी के लिए हमारा थर्ड स्टेप आता है क्लासीफाइंग, क्लासीफाइंग, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग शब्द का मतलब क्या होता है? अलग अलग श्रेणी में बांटना, कैटेगरीज बना देना चीज़ों की। जैसे आप देखते हैं 11वीं 12वीं के जो स्टूडेंट होते हैं उनकी तीन स्ट्रीम बना दी जाती है, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। इसका रीज़न क्या होता है? ये स्टूडेंट्स जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं उनको हम तीन कक्षाओं में, तीन क्लासेस में बांट देते हैं, जिससे ये पहचानना आसान हो जाता है कि ये स्टूडेंट जो है कौन सी क्लास से बिलोंग करता है और उसको क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं, पढ़ने हैं। तो ऐसे ही हम अपने जितने भी इवेंट्स हैं, ठीक है, क्लासीफाइंग वेरियस इवेंट्स और आइटम्स अफेक्टेड बाई ट्रांजेक्शन्स इन टू डिफरेंट कैटेगरीज। मतलब जो हमारी ट्रांजेक्शन्स का प्रभाव जिन जिन चीज़ों पर पड़ा हुआ है, जितनी भी चीज़ों पर पड़ा है, ठीक है, तो उसको हमने अलग अलग कैटेगरीज में बांट देना, उन चीज़ों को, उन आइटम्स को हमने अलग अलग कैटेगरी में बांट देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने कोई फर्नीचर ख़रीदा, तो जब मैंने फर्नीचर ख़रीदा तो किस किस आइटम पे इफ़ेक्ट आया? फर्नीचर मेरा बढ़ गया और कैश मेरा चला गया, ये दो आइटम्स पे इफ़ेक्ट आया, ठीक है। तो ये जो दो अलग अलग आइटम्स हैं इनकी मैंने क्लासेस बांटनी है, क्लासीफाई करना है कि कौन सी कैटेगरी में आते हैं, वो कैटेगरीज क्या होती हैं, वो श्रेणियाँ क्या क्या बनाई हुई हैं, वो श्रेणियाँ क्या हैं। देखिए, ईजी करने के लिए चीज़ों को हमने केवल और केवल पांच श्रेणियाँ बनाई हैं, जिसके अंदर पहली क्या है, पहली क्या है आपको पढ़ने में आ रहा होगा, एसेट्स। दूसरी क्या है, एक्सपेंस। तीसरी क्या है, कैपिटल। चौथी क्या है, लाइबिलिटी। पांचवी क्या है, रिवेन्यू। तो ये पांच कैटेगरीज बनाई हुई है, जितनी भी चीज़ों पे इफ़ेक्ट पड़ता है वो इन कहीं ना कहीं इन पाँचों कैटेगरीज में ही आएंगी, ठीक है, क्लियर है। जैसे अगर मैं कहूँ राम, श्याम और रमेश, ये कौन सी कैटेगरी में आ गए? बॉयज़ की कैटेगरी में आ गए। सीता, गीता और रीटा, ये कौन सी कैटेगरी में आ गए? ये गर्ल्स की कैटेगरी में आ गए, ठीक है। तो ये दो कैटेगरीज बना दी गई ह्यूमन बींग्स की, ओके। तो ऐसे ही अकाउंट्स के अंदर जितनी भी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें बिजनेस के अंदर अफेक्ट हो रही हैं उनको हमने पाँच कैटेगरीज बना दी। तो चलते हैं, अब इन कैटेगरीज़ को यूज़ करते हुए हमने क्या बनानी है, रिपोर्टिंग करनी है। याद है मेरा सवाल क्या था? मेरा सवाल था कि आपसे कोई समरी मांग रहा है कि बताओ मेरी साल, पूरे साल की सेल कितनी है, पूरे साल मैंने कितने का माल खरीदा, मेरे एम्प्लॉयज़ को सैलरी कितनी गई पूरे साल में, मेरा पूरे साल में बिजली का बिल कितना गया, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, समराइज रिपोर्ट्स तैयार करनी है। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, एस। सो हम कहाँ थे, मैं आप एक बार रिपीट कर देता हूँ, IRC और S, ठीक है, आइडेंटिफाइंग, देन रिकॉर्डिंग, देन क्लासीफाइंग, देन समराइजिंग। समराइज करना है रिकॉर्ड्स को, अपने रिपोर्ट्स बनाना है, और फिर उस समरी को यूज़ करते हुए हमें फाइनली रिजल्ट्स पे आना है। और ये हमारे रिजल्ट्स क्या हैं, ये हमारे रिजल्ट्स हैं बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। एक बिजनेस का रिजल्ट क्या होता है, बिजनेस का मोटिव ही क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। तो रिजल्ट्स में क्या आएगा, बिजनेस को प्रॉफिट हुआ, बिजनेस को प्रॉफिट हुआ या फिर बिजनेस को लॉस हो रहा है, ओके। और हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है, कई लोगों को थोड़ा सा मुश्किल होता है समझने। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं, हमारे पास पैसा कितना है, हमारे पास संपत्ति कितनी है और हमारे सिर पर उधार कितना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे बिजनेस के अंदर 1 लाख रुपए की संपत्ति लगी हुई है, ठीक है, और मेरे बिजनेस के ऊपर उधार है 80,000 रुपये का। 1 लाख की संपत्ति लगी हुई है और 80,000 रुपये का मेरे ऊपर उधार है, तो इसका मतलब बिजनेस, अगर हम आज की डेट में बाई चांस बिजनेस बंद करना चाहते हैं तो मेरे अपने मुझे कितने पैसे मिलेंगे, बचेंगे 20,000 रुपीज़, 20,000 सिर्फ। तो मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, सिर्फ 20% पैसा मेरा बिजनेस में मेरा है, बाकी सारा मेरा क्या है, उधार का है। तो मेरी फाइनेंशियल पोजीशन वीक है। तो हमें बिजनेस की अपने फाइनेंशियल पोजीशन भी चेक करनी है प्रॉफिट के साथ साथ। हो सकता है कि एक बिजनेस प्रॉफिट कमाने में तो बहुत अच्छा हो लेकिन उसके ऊपर उधार, बोरोइंग्स बहुत ज़्यादा हो, डेब्ट बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, उसने लोगों से उधार बहुत ले रखा हो, तो इन दैट केस उसकी फाइनेंशियल पोजीशन वीक हो सकती है प्रॉफिट में रहते हुए भी, ठीक है। तो अब हमारे ये 5 स्टेप्स हैं, ठीक है, IRC, SR और लास्ट क्या रह गया, C। सी इज़, देखिए हमारे बिजनेस में कई तरह के लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा बिजनेस कहाँ चल रहा है, एक एनवायरनमेंट, एक इकोनॉमी के अंदर हम काम कर रहे हैं, तो उस इकोनॉमी में रहने वाले जितने फैक्टर्स हैं वो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। तो हमने क्या करना है, उन सभी फैक्टर्स को जो भी हमारे बिजनेस में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट डाल सकते हैं उनको कम्युनिकेट करना है। क्या कम्युनिकेट करना है, हमारा परफॉर्मेंस,
परफॉर्मेंस बोले तो रिजल्ट्स, ओके। किनको? इंटरेस्टेड पार्टीज। ये इंटरेस्टेड पार्टीज वही फैक्टर्स हैं जो हमारे बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर पहला तो हमारा प्रोप्राइटर है। प्रोप्राइटर मतलब बिजनेस का ऑनर, मैनेजमेंट, ठीक है। ऑनरशिप और मैनेजमेंट जनरली हम सेम ही मानते हैं, ठीक है। लेकिन मैनेजमेंट मतलब जो भी डिसीजंस लेते हैं बिजनेस के, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाले जो लोग हैं। उसके बाद एम्प्लॉयज़, जो उन डिसीजंस को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, उन एग्जीक्यूट पर, उन डिसीजन पर काम करते हैं। उसके बाद सप्लायर्स, कस्टमर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक्स, ठीक है। ये सभी लोग हमारे बिजनेस के अंदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड हैं। इसके अलावा पब्लिक हो सकती है, ठीक है, गवर्नमेंट है जिनको हमने टैक्सेस पे करने हैं। तो इन्हीं सब लोगों को हमने कम्युनिकेट करने हैं अपने बिजनेस के रिजल्ट्स, ताकि इनका इंटरेस्ट जो है हमारे बिजनेस के अंदर बना रहे और एक हमें हमेशा पॉजिटिवली मोटिवेट करते रहे बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। सो हमारी जो अकाउंटिंग प्रोसेस है उसके अंदर, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, हमारे 6 स्टेप्स हो गए, IRC SRC, ठीक है। नेक्स्ट, अब कई लोग कहते हैं अब सर शॉर्ट में बताओ अकाउंटिंग है क्या। तो अगर हम शॉर्ट में बात करें तो अकाउंटिंग ये जो 6 के 6 स्टेप्स हैं, इनका मतलब क्या है, इन शॉर्ट, कीपिंग अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। हमारे बिजनेस में होने वाली ट्रांजेक्शंस का, हमारे बिजनेस में होने वाले लेन देन का एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड जब हम मेंटेन कर लेते हैं, उसी को हम अकाउंटिंग बोलते हैं, ठीक है। विच कैन बी यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल पोजिशंस ऑफ द बिजनेस। और वो जो हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो हमें, वो जो हमने इंफॉर्मेशन रखी है, जो रिकॉर्ड तैयार करा है, वो हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छे से दर्शाता हो, ठीक है। हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छे से बताता हो। फाइनेंशियल पोजीशन में मैंने कहा था दोनों चीज़ें आती है, प्रॉफिट और लॉस भी, और दूसरा हमारे बिजनेस के ऊपर कितना लोड है, कितनी बोरोइंग्स है, ठीक है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग का मेन पार्ट, दैट इज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, ठीक है। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले कुछ ऐसे शब्दों के बारे में जिनका मतलब, जिनको आपने सुना तो सबने है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन रह जाती है कि इनका मतलब क्या है। एक्चुअल में हम इनको डिफाइन करना सीखेंगे आज, ठीक है। तो मैं आज सिर्फ 5 शब्दों से स्टार्ट कर रहा हूँ, और वो 5 शब्द आपके सामने हैं, ठीक है। पहला है एसेट्स, पहला क्या है, एसेट्स, ठीक है। दूसरा क्या है, एक्सपेंसेस। तीसरा कैपिटल, फोर्थ लाइबिलिटी, एंड फिफ्थ इज रिवेन्यू, ओके। तो ये 5 चीज़ें हैं जो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगा बहुत अच्छे से, और आपने बहुत अच्छे से समझना है विद एग्जाम्पल्स, यहाँ पे मैंने आपको इलस्ट्रेट करा हुआ है, ओके। ये देखिए, सबसे पहले हम एसेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। एसेट्स, एसेट्स होती क्या है, देखिए सबसे पहले एसेट्स का मतलब क्या है, एनी थिंग और एनी राइट। एनी थिंग का मतलब होता है कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु किसी भी तरह की, ठीक है, और एनी राइट किसी भी तरह का अधिकार, विच अ बिजनेस पोजेस और होल्ड्स। हम अकाउंटिंग बिजनेस के लिए कर रहे हैं तो यहाँ सारी बातें बिजनेस के बारे में ही होने वाली हैं। जो अधिकार या जो भी वस्तु है, एनी थिंग विच अ बिजनेस पोजेस और होल्ड्स, पोजेस और होल्ड्स का मतलब क्या है, जो भी बिजनेस के पास है, बिजनेस के पास मतलब बिजनेस उसे ओन करता है, बिजनेस उसे, ठीक है, बिजनेस हैज द पोजेशन, ठीक है, विच अ बिजनेस पोजेस और होल्ड्स एंड विच गिव्स फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ठीक है। तो ऐसी कोई भी चीज़ या कोई भी अधिकार, विच अ बिजनेस पोजेस और होल्ड्स, ठीक है, जो एक बिजनेस पोजेस करता है, जो एक बिजनेस ओन करता है, और जिससे हमें 2 चीज़ें मिले, जिसमें से पहली चीज़ क्या है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, FEB, भविष्य में होने वाले आर्थिक फायदे। ऐसी कोई भी चीज़ या कोई भी अधिकार जिससे हमें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलते हैं, तो उसे हम एसेट्स बोलते हैं, ठीक है। सेकंड थिंग, ऐसी कोई भी चीज़ जो कैश है या कैश के इक्वल है, वो भी हमारे लिए क्या हुई, एसेट हुई। मतलब पहला, ऐसी चीज़ें जिससे हमें फ्यूचर में बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, वो भी एसेट है। ऐसी चीज़ जो हमें, जो हमारे लिए कैश है या कैश के इक्वल है, ठीक है, स्वयं कैश है, अपने आप में ही कैश है, कैश के इक्वल है, वो हमारे लिए एसेट्स कहलाती हैं। तो ये 2 चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, बेसिक आधार है एसेट्स को डिफाइन करने का। पहला FEB, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। दूसरा, या तो वो चीज़ें कैश या कैश इक्वलेंट होनी चाहिए। लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल्स, ठीक है। अब एग्जांपल्स, एसेट्स के एग्जांपल्स, तो सबसे पहले मैं एसेट्स के एग्जांपल है फिक्स्ड एसेट्स की बात करने वाला हूँ। ये फिक्स्ड एसेट्स कौन सी एसेट्स होती हैं,
ऐसी एसेट्स जो बिजनेस के अंदर लंबे समय तक रहने वाली हैं, ठीक है, लंबे समय तक मतलब इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा है बिजनेस के अंदर, इनको हम बेचने के लिए नहीं खरीदते, ठीक है। अब वो एसेट्स के एग्जांपल्स क्या हैं, देखिए सबसे पहले इन एसेट्स के अंदर मैं उन एसेट्स की बात करूँगा जो टैंजिबल हैं। टैंजिबल मतलब जो दिख सकती हैं, ठीक है। टैंजिबल का मतलब क्या होता है, जो फिज़िकली आप देख पाएँ, जो फिज़िकली आप देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, ठीक है। अब उनके एग्जांपल्स यहाँ पर स्टार्ट हो रहे हैं आपके सामने अपीयर होना। सबसे पहला इक्विपमेंट्स, औजार, मोटर व्हीकल्स, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, फिक्सचर एंड फिटिंग्स एंड लूज टूल्स, कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं जो आपको बताने के लिए। देखिए ये सारी एसेट्स लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, ठीक है, और ये सारी एसेट्स मेरे बिजनेस में लंबे समय तक रहने वाली एसेट्स हैं, ठीक है। मतलब इनकी लाइफ जनरली 1 साल 2 साल से ज़्यादा ही है। तो एज वैसे भी हम फिक्स एसेट के अंदर जब भी डिफाइन करते हैं किसी एसेट को, तो कौन सी एसेट्स होती हैं वो जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा मानी जाती है, उनको हम लॉन्ग टर्म एसेट्स बोलते हैं, मतलब फिक्स एसेट्स बोलते हैं, ओके। इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं इंटेंजिबल फिक्स एसेट। ये वो फिक्स एसेट हैं, ये भी फिक्स एसेट, लेकिन ये वो फिक्स एसेट हैं जो देखी नहीं जा सकती, ठीक है। लेकिन ये एसेट हैं, मतलब इनके बेनिफिट्स आपको रियलाइज कराते हैं, इनके बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, लेकिन ये देखी नहीं जा सकती, टच नहीं करी जा सकती, फिजिकली ये एग्जिस्ट नहीं करती। अब इनके एग्जांपल्स क्या हैं, गुडविल, ठीक है, आपकी मार्केट में जो गुडविल है, पेटेंट्स, आपके पास कुछ राइट्स होते हैं, मैंने कहा था ना राइट्स भी क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं, ठीक है। तो गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर, ये सारे क्या हैं, ये सारी हमारे लिए एसेट्स हैं, लेकिन ये इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स हैं, ओके। इसके बाद एक चीज़ और है, कई बार कुछ एक्स्ट्रा सरप्लस पैसा होता है वो हम अपने बिजनेस के बाहर इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है, तो वो फिक्स एसेट्स में नहीं आता, वो हमने बिजनेस के बाहर इन्वेस्ट कर रखा है। लाइक हमने कुछ FDs करा ली, किसी कंपनी के शेयर्स ले लिए, किसी कंपनी के बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो उस एसेट को हम क्या बोलते हैं, वो फिक्स एसेट में नहीं आती, बट मैंने उसको यहीं पर लिया हुआ है, दिखाया हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट्स, क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट्स, ओके। तो ये अब इसके बाद हम किस एसेट पे जाने वाले हैं, नेक्स्ट एसेट इज करंट एसेट्स, ठीक है। ये भी एसेट्स की दूसरी फॉर्म है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म एसेट्स हैं, ये बिजनेस में रहने वाली वो एसेट्स हैं जो जनरली बिजनेस में 1 साल के अंदर अंदर ही अपने आप को लिक्विडेट कर लेती हैं, अपने आप को कैश में कन्वर्ट कर लेती हैं, या ऐसी एसेट्स जिनके फायदे हमें मिल जाते हैं विद इन 1 ईयर, मतलब इनके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स नहीं है, ये विद इन अ ईयर ही ख़त्म हो जाती हैं या फिर कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बैंक बैलेंस आप समझते हैं, बैंक में पड़ा हुआ पैसा, मैंने कहा था कैश और कैश के साथ साथ जितनी कैश के इक्वल की चीज़ें होती हैं वो सारी हमारे लिए एसेट होती हैं, लेकिन वो करंट एसेट्स का पार्ट है, ठीक है। इनकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा रहती है, इनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा रहती है, कभी आती जाती रहती है, इसलिए हमने इनको करंट एसेट्स मतलब शॉर्ट टर्म एसेट्स में डाला हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट इज हमारा स्टॉक ऑफ गुड्स, ठीक है, स्टॉक ऑफ गुड्स और रॉ मटेरियल। गुड्स का स्टॉक, गुड्स मतलब जो वस्तुएं आप बिजनेस में सेल परचेज ट्रेड करते हैं, ठीक है, तो उनकी मूवमेंट भी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए आप बिजनेस में नहीं रखना चाहते, उनकी मूवमेंट भी बहुत फ्रीक्वेंट होती रहती है, तो ये भी हमारी शॉर्ट टर्म एसेट्स में आ जाती हैं। डेटर्स, डेटर्स वो लोग जिनसे हमें पैसा लेना है, एक्रूड इनकम्स, ये थोड़ा सा टफ समझने में लगता है, एक्रूड इनकम्स, एक्रूड इनकम्स क्या होती हैं, ऐसी इनकम्स, ऐसी कमाई जो आप कर चुके हैं लेकिन आपको अभी पैसा नहीं मिला, आपको पैसा भी मिलना है, मतलब फ्यूचर में अभी वो पैसा आपको मिलना है, तो क्या वो बेनिफिट दे रहा है, यस, वो आपको मॉनिटरी बेनिफिट दे रहा है, तो ये भी आपके लिए एसेट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट इज जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स। अब ये जीएसटी क्या, जीएसटी तो नया नया आया है, अगर आप कोई जीएसटी पे करते हैं, हाँ जीएसटी पे करते हैं, अब कोई सामान खरीदते टाइम, गुड्स खरीदते टाइम, तो वो भी आपके लिए क्या होता है, एसेट होता है, ठीक है, इसके भी फ्यूचर में फ़ायदे मिलते हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, आपके पास कुछ ऐसे शेयर्स हैं या ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट है लाइक गोल्ड है, सोना है, चांदी है, जिसे आप मार्केट में जब चाहे तब बेच कर पैसा ला सकते हैं, तो उसे बोलते हैं हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ या मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट। मार्केटेबल मतलब मार्केट में जो जल्दी बिक जाए या जल्दी ख़रीदा जा सके। ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, जैसे स्टॉक एक्सचेंज पे कुछ शेयर्स होते हैं, आपने देखा होगा, आप उसको ऑनलाइन बेच सकते हैं, ठीक है, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, यू कैन सेल इट, ठीक है, वेरी इजीली, वेरी क्विकली। उसके बाद एडवांस टैक्स पेड, एडवांस टैक्स मतलब अगर आप कुछ टैक्स एडवांस में ही जमा करा देते हैं सरकार को, तो उसका भी आपको आगे फ़ायदा मिलता है। क्या फ़ायदा मिलता है, आगे आपको टैक्सेस कम जमा कराने पड़ते हैं, ये फ़ायदा मिलता है आपको, तो ये फ़ायदा मिला तो ये टैक्स जमा कराना भी आपके लिए क्या हुआ, एसेट बन गया। फिर एडवांसेस पेड,
एडवांसेस पेड का मतलब कि आपने किसी को कोई एडवांस दिया हुआ है, ठीक है, तो उसका भी आपको फ्यूचर में बेनिफिट्स मिलेंगे, तो वो भी आपके लिए क्या हो गया, एसेट हो गया। प्री पेड एक्सपेंसेस, आपने किसी एम्प्लॉय को सैलरी एडवांस पे कर दी, प्री पे कर दी, आपने अपना बिजली का बिल पहले ही जमा करा दिया, आपने अपना रेंट जमा पहले ही पे कर दिया, तो इन सब के बेनिफिट्स आपको फ्यूचर में मिलते हैं, सर्विसेज आपको फ्यूचर में मिलती हैं, तो इसलिए ये भी एसेट हुई। बिल्स रिसीवेबल, कई बार क्या होता है कुछ लोग हमें वादा कर जाते हैं, प्रॉमिस देते हैं कि देके जाते हैं कि भाई हम आपको अभी पैसा नहीं दे सकते बट कुछ टाइम बाद हम आपको पैसा दे देंगे, और वो लिखित में रिटर्न डॉक्यूमेंट्स आपको देके जाते हैं, तो वो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स जो आपके लिए होते हैं वो भी एसेट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। ओके, ठीक है, तो ये हमारी एसेट्स की कहानी यहाँ ख़त्म हुई। हमने क्या क्या डिस्कस करा, हमने डिस्कस करा फिक्स्ड एसेट्स के अंदर टैंजिबल इनटैंजिबल, देन इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं, देन करंट एसेट्स क्या होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा टर्म है एक्सपेंस। ओके, अब ये एक्सपेंस क्या होता है, व्हाट इज एक्सपेंस, एक्सपेंस को सब हिंदी में समझते हैं ना, एक्सपेंस का मतलब क्या है, खर्चा, लेकिन अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर इसका थोड़ा सा डीप में मीनिंग है। अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर इसे हम क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स अफेल्ड, जब आप किसी किसी चीज़ की वैल्यू के बेनिफिट, किसी चीज़ के बेनिफिट्स ले चुके होते हैं, ठीक है, अवेल कर चुके होते हैं, किसी के फ़ायदे आप उठा चुके होते हैं, मतलब जो पैसा आपने स्पेंड करा है वो खर्चा नहीं है, लेकिन जब आप उस पैसे के बेनिफिट्स उठा चुके होते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, एक साल के अंदर अंदर, तो वो जो एक साल में जितने आपने बेनिफिट्स उठा लिए उसकी कॉस्ट वो आपके लिए खर्चा बन जाता है। ठीक है, ये मैंने आगे डिस्कस भी करा है। फॉर एग्जांपल, मैंने क्या करा, मेरे मकान का किराया था 10,000 रुपये या दुकान का किराया था 10,000 रुपये, मैंने 15,000 पे कर दिया। ठीक है, तो एक महीने के अंदर मैंने कितने के बेनिफिट्स उठाए, 10,000 के बेनिफिट्स उठाए, तो मेरे एक्सपेंसेस भी कितने होंगे, 10,000 ही होंगे। जो 5,000 मैंने एक्स्ट्रा पे करा है, वो 5,000 एक्स्ट्रा पे करना, मैंने अभी उसका बेनिफिट नहीं उठाया, तो वो मेरे लिए एसेट का काम करेगा। ठीक है, वो प्री पेड है, समझ आइए आपको। इसके बाद सेकेंड थिंग, अमाउंट इनकर्ड ऑन रूटीन बिजनेस एक्टिविटीज, जो भी पैसा आप खर्च कर रहे हैं बिजनेस के ऊपर, बिजनेस की रूटीन एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए, विच आर एंगेज इन जनरेटिंग रेवेन्यू फॉर द बिजनेस, और जिससे आपके बिजनेस का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो आपके लिए खर्चा है। तो मतलब पहली चीज़, आप जितनी चीज़ों के बेनिफिट उठा लेते हैं कंज्यूम कर लेते हैं जितनी चीज़ें, ठीक है, जैसे 100 चॉकलेट्स हैं, 100 चॉकलेट में से आपने 50 कंज्यूम कर ली, ठीक है, और 50 आपने रखी हुई है, तो आपका जो एक्सपेंस है अकाउंटेंट के लिए खर्चा क्या माना जाएगा, वो जो 50 चॉकलेट्स जो आपने कंज्यूम कर लिए हैं, जो 50 बची हुई हैं वो खर्चा नहीं माना जाएगा। ओके, इसके बाद फर्दर एक्सपेंसेस के मैंने यहाँ एग्जांपल्स दिए। एक्सपेंसेस भी दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंस वो होता है जो बिजनेस के में जो हम ट्रेड कर रहे हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, जो गुड्स के ऊपर खर्चा करा जा रहा है, गुड्स मतलब जिन आइटम्स में हम डील कर रहे हैं। ओके, जैसे गुड्स को खरीदना, परचेज ऑफ गुड्स, सैलरी और वेजेस टू एम्प्लॉयज इन प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन में लोग काम कर रहे हैं, जिनका काम है प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के अंदर, ठीक है, उनको सैलरी देना, कैरेज और फ्रेट चार्जेस पे करना ऑन परचेज ऑफ गुड्स, इसका मतलब माल लाने के लिए जो भी आप रिक्शे वाले को, ट्रक वाले को पैसा देते हैं, उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर इंक्लूड करते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, जो भी गुड्स बनाने के खर्चे हैं, इनको हम प्रोडक्शन एक्सपेंस भी कह सकते हैं, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, इम्पोर्ट ड्यूटीज़, क्लियरिंग चार्जेस, ऐसे कोई भी खर्चे हैं, एक्सपेंसेस इनकर्ड इन ब्रिंगिंग गुड्स टू सेलेबल कंडीशन, ऐसा कोई भी खर्चा जो गुड्स को सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए करा जाए, सेलेबल का मतलब क्या होता है, बिकने लायक, तो ऐसा कोई भी खर्चा जो गुड्स को बिकने लायक बनाने के लिए करा जाता है वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट है। मतलब ये सारे खर्चे आपको गुड्स पर हो रहे हैं, ठीक है, डायरेक्टली गुड्स को सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए करे जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अलावा जितने खर्चे हैं वो सारे इनडायरेक्ट हैं, मतलब प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के अलावा जो भी खर्चा है वो सारा क्या है, इनडायरेक्ट है। जो डायरेक्टली गुड्स पे खर्चा हो रहा है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो गुड्स पे नहीं हो रहा अदर देन दैट एक्सपेंसेस आर कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब उसके अंदर क्या क्या आता है, एडवर्टाइजमेंट, सैलरी टू अदर स्टाफ नॉट एंगेज इन प्रोडक्शन, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, डेप्रिसिएशन, कैरेज, फ्रेट ऑन सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स मतलब जब आप कस्टमर के घर माल पहुंचाते हैं, डिलीवरी के जो चार्जेस होते हैं वो, एबनॉर्मल लॉसेस, बैड डेट्स, ठीक है, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर्स, कस्टमर्स को कोई डिस्काउंट देना ये भी एक खर्चा है जो इनडायरेक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिंग एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जो भी ऑफिस वगैरह के खर्चे होते हैं, ठीक है, वो सारे क्या हैं, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। तो एक बार आप दोनों का कंपैरिजन प्लीज़ देख लीजिए, क्या क्या डायरेक्ट में आते हैं और क्या क्या
इनडायरेक्ट में आता है. सो दैट टैली के अंदर ये दोनों ही हेड्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. तो आपको पता होना चाहिए कौन से खर्चे आपको डायरेक्ट में डालने हैं, कौन से खर्चे आपको इनडायरेक्ट में डालने हैं. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कैपिटल. व्हाट इज़ कैपिटल? तो देखिए, कैपिटल मीन्स कोई भी प्रोप्राइटर, कोई भी ऑनर जब अपना बिजनेस शुरू करता है तो वो जब अपने बिजनेस के अंदर जो भी पैसा डालता है, ठीक है, उसको हम कैपिटल बोलते हैं. ओके, द मनी विच ऑनर इन्वेस्ट इन द बिजनेस आउट ऑफ हिज ओन फंड्स इज कॉल्ड कैपिटल. मतलब याद रहे, वो अपना पैसा जो बिजनेस में लगा रहा है, खुद का पैसा, उसे वो कैपिटल कहलाता है. नेक्स्ट लाइबिलिटीज में आ रहे हैं हम. लाइबिलिटीज का मतलब सिंपली होता है उधार, जो भी बिजनेस ने दूसरों से पैसा उधार लिया हुआ है. ठीक है, अब लाइबिलिटीज क्या होता है? एनी अमाउंट ऑफ मनी विच इज पेबल और ओड टू आउटसाइडर्स. ठीक है, मैंने आउटसाइडर्स को हाईलाइट करा हुआ है. आउटसाइडर्स कौन होते हैं? आउटसाइडर्स वो पर्सन होते हैं जो प्रोप्राइटर के अलावा कोई भी पर्सन है. ऑनर के अलावा अगर कोई भी पर्सन हमारे बिजनेस के अंदर पैसा डाल रहा है तो वो आउटसाइडर होता है. ठीक है, उसको अगर हमने कोई भी किसी भी तरह का पैसा देना है तो दैट इज़ कॉल्ड लाइबिलिटी. ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं? एग्जाम्पल्स है क्रेडिटर फॉर गुड्स, आपने माल उधार पे लिया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कोई भी खर्चा आपने पे करना है, प्रोविजन फॉर टैक्स, किसी भी तरह का टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है, एडवांस रिसीव, आपने किससे एडवांस ले लिया है वो भी आपके लिए उधार है क्योंकि आपने वो पैसा अर्न नहीं करा, शॉर्ट और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, आपने कोई भी छोटे या लंबे समय के लिए पैसा उधार लिया हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से आपने अपनी लिमिट से ज़्यादा, जितना बैलेंस है उससे ज़्यादा पैसा विड्रॉ करा हुआ है, बिल्स पेबल, कुछ पैसा आपने किसी को बिल्स कमिट करा हुआ है कि आपने पे करना है, डिबेंचर्स. ठीक है, आपने पैसा, डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है? बोरो करना. ठीक है, हम रिटर्न फॉर्म के अंदर बॉन्ड्स इशू करते हैं, एक कंपनी बॉन्ड इशू करती है और कहती है भाई लोगों मुझे पैसा दो. ठीक है, तो उन बॉन्ड्स को हम क्या बोलते हैं? डिबेंचर्स का नाम देते हैं. अब आ जाता है रिवेन्यू क्या होता है. रिवेन्यू, सबसे पहली चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि रिवेन्यू का मतलब कभी प्रॉफिट नहीं होता. ठीक है, छोटा सा एग्जांपल, मेरी दुकान पे कस्टमर आए और मैंने सेल करी पूरे दिन में 50,000 रुपये की, क्या ये मेरी कमाई हुई? इज दिस माय इनकम? नो, दिस इज़ नॉट माय इनकम. आप देखिए, मैंने 50,000 रुपये की सेल करी और मैंने वही माल ख़रीदा था 40,000 रुपीज़ का. ठीक है, तो आप ये कहेंगे ना कि 40,000 का माल मैंने 50,000 पे बेचा तो व्हाट इज़ माय इनकम, व्हाट इज़ माय प्रॉफिट? प्रॉफिट इज़ 10,000, दैट इज़ 50,000 का रिवेन्यू था मेरा, लेकिन 40,000 कॉस्ट भी आई मेरी, तो 10,000 का मेरा प्रॉफिट हुआ. ठीक है, एंड व्हाट इज़ रिवेन्यू? रिवेन्यू इज़ 50,000. रिवेन्यू मीन्स सेल, जो पैसा मैंने कमाया, और प्रॉफिट इज़ जो पैसा मैंने बचाया. ओके, नेक्स्ट, अब रिवेन्यू हम डिस्कस करने वाले हैं. रिवेन्यू क्या है? रिवेन्यू मीन्स ऐसा कोई भी अमाउंट, अमाउंट अर्न फ्रॉम रूटीन ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस, जो भी आप अपनी रूटीन एक्टिविटी से पैसा अर्न कर रहे हैं उसको हम रिवेन्यू बोलते हैं. या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं आप, अर्निंग्स फ्रॉम नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस. ठीक है, जो भी आपकी डेली एक्टिविटीज चल रही हैं उससे आप जो पैसा कमा रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड रिवेन्यू. एग्जाम्पल है इसका, गुड्स सर्विसेज जो भी आप दे रहे हैं उससे पैसा आ रहा है, कमीशन से पैसा आ रहा है, कोई डिस्काउंट्स मिल रहे हैं आपको सप्लायर से, उससे जो भी कमाई हो रही है दैट इज़ कॉल्ड रिवेन्यू. ठीक है, नाउ अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? अकाउंटिंग स्टार्ट करने के लिए एक गुरु मंत्र. ठीक है, सबको लगता है यार अकाउंटिंग बहुत डिफ़िकल्ट है. नहीं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ एक गुरु मंत्र है जो आप सबको अच्छे से आना चाहिए और इसी पर पूरी अकाउंटिंग, जितना भी प्रैक्टिकल पार्ट है आप इसे सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो आज हम वो गुरु मंत्र सीखने जा रहे हैं और वो गुरु मंत्र क्या है? दैट इज़ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डेबिट और क्रेडिट होता क्या है. डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या है? डेबिट और क्रेडिट ऐसी दो टर्म्स हैं जो अकाउंट्स के अंदर इंक्रीज और डिक्रीज को रिप्रेजेंट करती हैं. अब कुछ लोग कहते हैं डेबिट का मतलब इंक्रीज होता है क्या? नहीं, डेबिट का मतलब इंक्रीज और डिक्रीज कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो किस आइटम के लिए बात हो रही है. याद है ना, हमने क्लासीफाइंग पढ़ा था, क्लासीफाई करना. तो क्लासीफाइंग के अंदर अलग अलग कैटेगरीज बनाई हुई है, हमारे पास 5 मेजर कैटेगरीज है. एसेट्स जो अभी हमने पढ़ी, एसेट्स, एक्सपेंस, कैपिटल, लायबिलिटी और रिवेन्यू. तो डिपेंड करता है, कुछ चीज़ों के लिए डेबिट का मतलब बढ़ना होता है और कुछ चीज़ों के लिए डेबिट का मतलब घटना आता है. ठीक है, तो आज मैं आपको वो गुरु मंत्र दिखाने जा रहा हूँ, फटाफट आप इसको देख लेंगे सबसे पहले. ठीक है, अब ये हमारी एसेट्स हैं. ठीक है, एसेट्स और एक्सपेंसेस. एसेट्स और एक्सपेंसेस को मैंने एक कैटेगरी में लिया क्योंकि इनके ऊपर एक ही रूल अप्लाई होता है और वो रूल क्या है? वेन एवर दीज आर इंक्रीजिंग, जब भी ये बढ़ रही हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? डेबिट. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? डेबिट. अकाउंटिंग वर्ड्स, अकाउंटिंग लैंग्वेज में इसको बोलते हैं डेबिट हो रही है.
जब भी एसेट्स और एक्सपेंस घट रहे होते हैं, मतलब कोई एसेट कम हो रही है, कोई खर्चा कम हो रहा होता है, तो हम उसको क्रेडिट पे दिखाते हैं, ठीक है। वैसे ये दो साइड्स हैं, एक इंक्रीज़ की साइड है और एक डिक्रीज़ की साइड है। तो एसेट जब बढ़ेगी तो कौन सी साइड पर आएगी? डेबिट पर। और जब घटेगी तो क्रेडिट पर। खर्चे जब बढ़ेंगे तो डेबिट साइड पर, घटेंगे तो क्रेडिट साइड पर, ठीक है। इसके बाद इसके ओपोजिट कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू, इनके ऊपर ओपोजिट टूल्स अप्लाई होते हैं। और वो ओपोजिट टूल क्या कहते हैं? कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू। ये तीनों चीज़ें जब भी ये बढ़ रही होती हैं तो हम इनको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड पे लिखते हैं कि भाई बढ़ रही हैं तो क्रेडिट होंगी, और अगर घट रही हैं तो इनको हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। बस आपने इन रूल्स को बार बार दोहराना है और अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो। इसके बाद हम चलते हैं, हमारे अकाउंट्स के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, जिसमें से आज मैं कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात करूँगा। प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है? कुछ उसूल। ये उसूलों के बिना, जैसे हर गेम के कोई रूल्स होते हैं, ऐसे ही अकाउंटिंग के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जो आपको फॉलो करने ही करने हैं। अगर आप इसे फॉलो नहीं करते तो इसका मतलब आप अकाउंटिंग में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं, ठीक है। आपकी जो अकाउंटिंग होगी वो भी क्या होगी? फॉल्टी होगी, और उसके अंदर बहुत सारी मिस्टेक्स होने के चांसेस हैं। तो कुछ प्रिंसिपल्स मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। कुछ 11 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो उसमें से कुछ यहाँ डिस्कस करूँगा जो बेसिकली आपको फॉलो करने ही है और जिसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। जिसमें से पहला प्रिंसिपल है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बड़ी ही नॉर्मल सी बात है इस प्रिंसिपल के अंदर, ठीक है। और वो बात क्या है? देर आर थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट है टू सेपरेट पर्संस। ये क्या कहता है ये पॉइंट? ये पॉइंट कहता है कि प्रोप्राइटर और बिजनेस जो है वो एक नहीं है, जो ऑनर है बिजनेस और उसका मालिक वो एक नहीं है, वो दो अलग अलग लोग हैं, ठीक है। क्या ये बात आपको समझ है? ये हमारा पहला रूल है कि जब भी आप प्रोप्राइटर और बिजनेस को देखें तो आप देखिए आप अकाउंटिंग बिजनेस की कर रहे हैं, आप प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं, ओके। प्रोप्राइटर अलग व्यक्ति है जो बिजनेस को चला रहा है, और बिजनेस अलग व्यक्ति है जो प्रोप्राइटर से इन्वेस्टमेंट ले रहा है, ओके। सेकेंड पॉइंट, देयरफॉर कैपिटल इज ऑल्सो ट्रीटेड एज लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। देखिए कैपिटल का मतलब क्या है? जो ऑनर ने बिजनेस में पैसा लगाया, ठीक है। अब जब ये दो अलग अलग लोग हैं तो ऑनर एक बंदा और बिजनेस दूसरा बंदा, पहला बंदा अगर दूसरे पर्सन को अगर कोई भी पैसा दे रहा है, ठीक है, तो वो उसके लिए लायबिलिटी मतलब उधार माना जाएगा, ठीक है, लायबिलिटी माना जाएगा, उधार माना जाएगा, ठीक है। आपको ये बात मैं फिर से रिपीट करके बताता हूँ। हाँ, कैपिटल जो बिजनेस का जो मालिक है वो अगर कोई भी बिजनेस के अंदर पैसा लगाता है तो उसको भी हम लायबिलिटी की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है, लायबिलिटी की तरह ट्रीट करते हैं। क्या लिखा है? ट्रीटेड एज लाइबिलिटी, ओके। इसका मतलब वो भी एक लाइबिलिटी है, लेकिन हम उसको लाइबिलिटी वर्ड यूज़ ना करके उसको हम कैपिटल ही बोलते हैं, क्योंकि इट इज़ एन इंटरनल लाइबिलिटी, ओके। वो हमने किसी बाहर वाले से पैसा उधार नहीं लिया हुआ, वो हमने ऑनर का ही पैसा बिजनेस के अंदर लगा हुआ, तो वो इंटरनल लाइबिलिटी होता है, जिसको हम कैपिटल नाम से जानते हैं। थर्ड पॉइंट, जो भी पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं ऑनर के, प्रोप्राइटर के, क्योंकि ये दो अलग अलग लोग हैं, बिजनेस का खर्चा बिजनेस के खर्चे में इंक्लूड होगा, और अगर ऑनर कोई खर्चा करता है बिजनेस के पैसों से तो उसको हम क्या मानते हैं? ड्राइंग्स। क्या मानते हैं? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब क्या है? वो बिजनेस से पैसा ड्रॉ कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, निकाल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल कहता है कि ये दो लोगों की तरह ट्रीट करे जाने चाहिए, ठीक है। और कोई भी पैसा अगर प्रोप्राइटर बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है तो वो भी एक लायबिलिटी की तरह ट्रीट करा जाता है, दैट इज़ एन इंटरनल लायबिलिटी। और अगर प्रोप्राइटर कोई भी पर्सनल एक्सपेंस कर रहा है तो वो बिजनेस के खर्चों में इंक्लूड नहीं होता, वो ड्राइंग्स कहलाता है, वो पैसा भी निकाल रहा है। सेकेंड प्रिंसिपल इज अक्रूवल प्रिंसिपल, सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, ठीक है। इसको तो आपने स्टार मार्क कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, ठीक है। अब देखिए ये प्रिंसिपल कहता क्या है? कहता है ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड व्हेन इट एक्चुअली टेक्स प्लेस। कहता है ट्रांजेक्शन जब हो तभी रिकॉर्ड करो, बट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट पेड और रिसीव्ड। बहुत ही डीप मीनिंग है इसका। ये प्रिंसिपल सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो आपको हेल्प करेगा ट्रांजेक्शन को सही तरीके से रिकॉर्ड करने में टैली के अंदर। ये कहता है ट्रांजेक्शन जब हो रही हो हमें तभी रिकॉर्ड करना है, चाहे पैसा आए या ना आए, चाहे पैसा आए या ना आए, ठीक है। अब देखिए इसके एग्जांपल्स मैंने लिए हुए हैं, आगे आपको आगे समझ आ जाएगा। सबसे पहला पॉइंट, रिकॉर्ड एक्सपेंसेस ऑन ड्यू बेसिस। वो कहता है खर्चे को कब रिकॉर्ड करना है? जब वो ड्यू हो जाए, नॉट ऑन पेमेंट बेसिस। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, हम एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पे हमने कुछ ऑर्डर कर दिया, खाने के लिए ऑर्डर कर दिया, खाना खा लिया, 500 रुपये का बिल आया, अभी हमने वो अमाउंट पे नहीं करा है, ठीक है। क्या अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँ
कि आपका कितना खर्चा हुआ, तो आप क्या कहेंगे? कोई खर्चा नहीं हुआ, याद रहे अभी आपने पेमेंट नहीं दी है। खर्चा तो हो गया ना, खर्चा हो गया मतलब आपने उसके बेनिफिट्स तो ले लिए ना, ठीक है, तो इट हैज़ बिकम योर एक्सपेंसेस। तो यही अक्रूअल प्रिंसिपल कहता है, कहता है भाई खर्चे को हमने ड्यू बेसिस पे रिकॉर्ड करना है, मतलब जब आपने बेनिफिट्स ले लिए इसका मतलब वो खर्चा हो चुका है, ठीक है, चाहे आपने उसके पैसे दिए हैं या नहीं दिए, दैट इज़ अ सेकेंडरी पॉइंट। सेकेंड पॉइंट रिकॉर्ड रिवेन्यू, अब हम कमाई की बात कर रहे हैं, रिकॉर्ड रिवेन्यू ऑन अर्न्ड बेसिस। मेरी दुकान पे एक कस्टमर आता है और वो मुझे 10,000 रुपये का ऑर्डर दे जाता है, ठीक है, ऑर्डर दे गया, ओके, उसने मुझे पैसे भी दे दिए 10,000 रुपये। क्या वो ऑर्डर जो 10,000 रुपये, आज मुझसे किसी ने पूछता है, कोई मुझसे मेरा फ्रेंड पूछता है या कोई भी पूछता है कि भाई आज तुमने कितना पैसा कमाया, तो क्या मैं उसको बता दूँ आज मैंने 10,000 रुपये कमाए? अभी मैंने अभी सिर्फ ऑर्डर रिसीव हुआ है, आर यू गेटिंग, समझ आ रही है आपको बात? अभी सिर्फ ऑर्डर रिसीव हुआ है, मैंने माल सप्लाई नहीं करा, ठीक है, इसका मतलब अभी तक वो पैसा मैंने अर्न ही नहीं करा है। तो जब मैं उसे अर्न कर लूँगा, जब मैं वो ऑर्डर उसको डिलीवर कर दूँगा, तब वो पैसा मैं कमा लूँगा। तो रिवेन्यू भी तभी रिकॉर्ड करा जाएगा जब मैं उसे गुड्स डिलीवर कर दूँगा। क्लियर है ये बात? तो पैसा आना और जाना खर्चे और इनकम को, रिवेन्यू को नहीं बताता है कि भाई ये खर्चा हो रहा है या हमने पैसा कमा लिया है। ज़रूरी नहीं है पैसा आने और जाने के बेसिस पे हम एक्सपेंसेस और रिवेन्यू को रिकॉर्ड करें, ठीक है, डिपेंड करता है हमने खर्चा ड्यू कब हुआ है और रिवेन्यू हमने कमाया कब है, ठीक है। जिस दिन खर्चा ड्यू होता है उस दिन रिकॉर्ड होता है, और जब हम रिवेन्यू कमा लेते हैं, वी हैव राइट टू रिसीव द मनी, ठीक है, वी हैव अर्न द अमाउंट, ठीक है, उस बेसिस पे हम रिवेन्यू और एक्सपेंसेस को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। अब इसके छोटे से एग्जाम्पल्स मैंने लिए हुए हैं, ठीक है, और वो एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल नंबर वन, सैलरी पेड इन द ईयर 2019-20, मैंने अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करी 2,50,000 रुपये, सैलरी ड्यू बट नॉट पेड 50,000, मैंने 2,50,000 पे कर दिए और 50,000 अभी पे करने बाकी हैं। अब मुझे फटाफट बताओ व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ टोटल एक्सपेंस ड्यूरिंग 2019-20, मेरा टोटल खर्चा कितना हुआ है? अब यहाँ पे दो तरह के लोग सामने आते हैं, ठीक है, देखिए, एक है जो कैश बेसिस फॉलो करते हैं और दूसरा है जो अक्रूअल बेसिस फॉलो करते हैं, ठीक है, और हमने कौन से बेसिस फॉलो करने हैं? हमेशा अक्रूअल बेसिस। जो कैश बेसिस फॉलो करते हैं, देखिए वो काम कैसे करते हैं, वो कहते हैं देखिए जी मेरा जो टोटल एक्सपेंस है वो 2,50,000 रुपये हो रहा है, क्यों? क्योंकि मेरी तरफ से, मेरी जेब से कैश कितना निकला, 2,50,000, तो मैं तो 2,50,000 को ही मानूंगा टोटल एक्सपेंस। लेकिन एक्रूअल बेसिस के अंदर क्या है, 2,50,000 हमने पे कर दिया लेकिन 50,000 के बेनिफिट्स भी तो हम ले चुके हैं ना, अल्टीमेटली वो भी पैसा हमने देना तो है ही क्योंकि हमने काम तो करा लिया एम्प्लॉयज से, ठीक है, तो हमारा जो एक्सपेंस है दैट विल बी 3,00,000 रुपीज़। तो बताओ हमने कौन सा फॉलो करना है? एक्रूअल बेसिस। तो कैश बेसिस को मार दो काटा, ठीक है, हमेशा एक्रूअल बेसिस फॉलो होगा। एग्जाम्पल नंबर टू, अब हमने रेंट पे करा $1,40,000, ठीक है, यहाँ डॉलर का साइन लगाया हुआ मैंने, 1,40,000 मैंने पूरे साल में रेंट पे करा, रेंट पेड इन एडवांस है 20,000, इसका मतलब क्या है, मैंने टोटल 1,40,000 रुपये पे करे जिसके अंदर ये 20,000 एडवांस था, ओके, तो मेरी जेब से पैसा कितना गया टोटल 1,40,000, ओके। अब दो तरह के लोग आए, एक जो कैश बेसिस फॉलो करते हैं और एक जो एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस वाले देखते हैं पैसा कितना जा रहा है और एक्रूअल बेसिस वाले क्या देखते हैं कि मेरा खर्चा क्या हुआ, एक्चुअली में मैंने बेनिफिट्स कितने के लिए, ठीक है। तो अब देखिए इस साल टोटल एक्सपेंस जो कैश बेसिस वालों के हिसाब से वो 1,40,000, मतलब ये तो क्या देख रहे हैं कि पैसा 1,40,000 गया तो मेरे खर्चे भी 1,40,000 ही हैं। लेकिन एक्रूअल बेसिस वाला क्या कहेगा, मैंने पे करा 1,40,000 लेकिन 20,000 तो एडवांस है ना भाई, जिसके फ़ायदे मुझे आगे मिलने वाले हैं, तो मतलब इसके फ़ायदे तो मुझे आगे मिलेंगे, तो अभी इसके फ़ायदे मिले नहीं हैं तो ये मेरे एक्सपेंस की डेफिनेशन में भी कवर नहीं होता, तो मेरा खर्चा कितना हुआ 1,20,000, तो कैश बेसिस को मार दिया काटा। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर थ्री, सेल ऑफ गुड्स ड्यूरिंग 2019-20, मैंने माल बेचा $1,00,000 का माल बेच दिया, कैश रिसीव ड्यूरिंग द ईयर फॉर सेल ऑफ गुड्स $9,00,000, 10,00,000 का माल बेचा लेकिन पैसा आ रहा है सिर्फ 9,00,000, ठीक है, अब करें क्या भाई, व्हाट इज दैट अमाउंट ऑफ रिवेन्यू ड्यूरिंग 1920। अब रिवेन्यू में मतलब अपनी कमाई के अंदर, सेल के अंदर क्या रिकॉर्ड करेंगे, 10,00,000 दिखाएंगे या 9,00,000 दिखाएंगे? अब देखिए, अब यहाँ पर भी दो तरह के लोग आए, एक वो लोग जो कैश बेसिस फॉलो करते हैं और दूसरे हम लोग जो एक्रूअल बेसिस फॉलो करते हैं। अब देखिए कैश बेसिस वाले क्या कहते हैं, हमारा जो रिवेन्यू है, जितना पैसा आया वो हमारा रिवेन्यू है, मतलब $9,00,000, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, हमने माल बेच तो दिया है ना, वी हैव ऑल द राइट्स टू रिसीव द मनी,
हमारे पास राइट आ चुके हैं, हम वो पैसा कमा चुके हैं क्योंकि हमने 10 लाख का माल बेच दिया है. तो व्हाट विल शुड बी माय टोटल रिवेन्यू, माय टोटल रिवेन्यू विल बी 10 लाख. 10 लाख का मेरा रिवेन्यू माना जाएगा क्योंकि मैं 10 लाख कमा चुका हूँ कायदे से. 1 लाख अभी मिलना बाकी है लेकिन मैं कमा चुका हूँ, मेरे पास राइट्स हैं, ठीक है. तो दैट विल बी 10 लाख. ओके, तो कैश बेसिस को मार दिया, काटा. आप समझ रहे हैं ना कि हमने ड्यू बेसिस फॉलो करना है, एक्रूअल बेसिस फॉलो करना है. एग्जाम्पल नंबर 4, मुझे कमीशन रिसीव हुई ड्यूरिंग द ईयर 1920 120,000. कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 20,000, ठीक है. मतलब टोटल मुझे 120,000 मिला और उसके अंदर 20,000 मुझे एडवांस मिल गए थे. कैश कितना मिला है मुझे टोटल, 120,000, जिसमें 20,000 एडवांस है. अब वो कह रहा है मैंने कितना पैसा कमाया 1920 के, बट इज़ द अमाउंट ऑफ रिवेन्यू ड्यूरिंग 1920. अब कैश बेसिस वाले क्या कहेंगे, जितना पैसा मिला, जितना पैसा मिला, 120,000 रुपये मिले तो वो मेरी कमाई हो गई. ओके, 120,000 मेरी कमाई हो गई. लेकिन एक्रूअल बेसिस वाला क्या कहेगा, मुझे पैसा तो मिला 120,000 लेकिन 20,000 तो मुझे एडवांस मिले हैं ना, मतलब ये काम अभी मुझे करना है, मैंने अभी ये काम करा नहीं है. तो मैंने अर्न कितना कर लिया, 1 लाख. तो मेरा रिवेन्यू क्या, 1 लाख. तो कैश बेसिस को मार दिया, काटा, ठीक है. इसके बाद आज का हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, दैट इज़ बुक्स ऑफ अकाउंट्स. हमें जो अपनी अकाउंटिंग करनी है तो हमें पता होना चाहिए हमें क्या क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं. तो उसके अंदर हमारा पहला है जर्नल एंड सब्सिडियरी बुक्स. सब्सिडियरी बुक्स का मतलब होता है सेकेंडरी बुक. जर्नल के अलावा हमारा कुछ और रिकॉर्ड्स हमें मेंटेन करने होते हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है. जर्नल इज़ अ बुक जहाँ पर हम सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, तो हमारा रिकॉर्डिंग स्टेज है. लेजर्स, लेजर्स हमारा समरी का स्टेज आ जाता है जहाँ पर हम अपने खाते बनाते हैं, ठीक है. आई विल एक्सप्लेन दिस इन नेक्स्ट क्लास. थर्ड, ट्रायल बैलेंस, दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ समरी. एंड फोर्थ इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है. अब अगर आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो, ठीक है. आई विल लीव द एवरीथिंग इन माई डिस्क्रिप्शन कि जो भी आपकी क्वेरीज वगैरह हों आप उसको लिंक को क्लिक कर सकते हैं, हमारा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं, वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टा पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करेगा शिक्षा एट स्कॉलर्स.